सत श्री अकाल जी। द खालस टीवी देखने वाले देश दुनिया के साडे सारे दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। पंजाब दीआं खास खबरां दे खास बुलेटिन दे नाल मैं हरशरण कौर। अज 30 अगस्त है, दिन मंगलवार है। नानक शाही संमत 554 के मुताबिक अज 14 भादों है। खबरां दे इस खास बुलेटिन दे विच सारियां वड्डियां ताज़ा ते अहम खबरां तुहानूं दस्सांगे। खबरां दे विस्थार तों पहलां तुहानूं इतिहास दे कुछ पन्नियां दी जानकारी दे दिंदे आं। अज बाणी दे बोहित जुग जुग अटल साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दा संपूर्णता दिहाड़ा है। सारी संगत नूं असीं संपूर्णता दिहाड़े दीआं वधाइयां दिंदे हां। अज के दिन गुरु गोबिंद सिंह पातशाह ने तख्त श्री दमदमा साहिब तलवंडी साबो की धरती से नौवें पातशाह श्री गुरु तेग बहादुर साहिब जी की बाणी आदि श्री गुरु ग्रंथ साहिब दे विच दर्ज करवा के गुरु साहिब नूं संपूर्णता बख्शी सी। जिथे ये महान कारज संपूर्ण होया सी उत्थे अज गुरद्वारा लिखणसर साहिब सुभायमान है। तख्त श्री दमदमा साहिब के सामने ही सज्जे पासे एक गुरद्वारा साहिब बनिया होया है, जिथे उस वक्त शहीद भाई मनी सिंह अते शहीद बाबा दीप सिंह ने अपने हत्थां दे नाल इस सेवा नूं संपूर्ण किया सी। जिहड़ियां कलमां दे नाल लिखाई दा काम संपूर्ण होया सी उन्हां कलमां नूं गुरद्वारा श्री लिखणसर साहिब दे सरोवर दे विच जल प्रवाह कीता गया सी ते गुरु साहिब ने इस अस्थान नूं गुरु की काशी कह के वडियाई दित्ती सी ते अज देश ही नहीं दुनिया भर तों बहुत सारे विद्यार्थी इत्थे बने वख-वख विद्यक अदारियां ते यूनिवर्सिटियां दे विच विद्या हासिल करन दे लई आउंदे ने। गुरु साहिब ने बचन किया सी कि जो भी प्राणी इस स्थान ते 35 लिखेगा, 35 अखरी यानी कि ऊड़ा आड़ा लिखेगा, उसनू उत्तम बुद्धि की प्राप्ति होगी। अज तख्त श्री दमदमा साहिब विखे संपूर्णता दिहाड़े के समागम मनाए जा रहे ने। वड्डी गिणती दे विच इत्थे संगत नतमस्तक हो रही है। अज एक होर इतिहासिक दिहाड़ा भी है, चौथे पातशाह श्री गुरु रामदास साहिब का ज्योति जोत दिवस। सूरज किरण मिले जल का जल हुआ राम, ज्योति जोत रली संपूर्ण थिया राम। गुरु साहिब अज के दिन 1581 दे विच गोइंदवाल साहिब विखे 47 साल की उम्र दे विच ज्योति जोत समा गए सन। खबरां दे विच सब तो पहला गल करांगे खेडां दी। खेडां वतन पंजाब दीआं 2 महीने दा खेडां दा महाकुंभ पंजाब दे जलंधर जिले दे विच शुरू हो चुक्या ते सब तो पहली तस्वीर तुहानूं दिखाउने हां पंजाब दे मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान दी। इह तस्वीर देख के तुहानूं शायद पिछले मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी भी याद आ गए होणे। उन्होंने भी जलंधर के स्टेडियम दे विच मैच खेडिया सी ते कल खेडां दे आगाज़ मौके मुख्यमंत्री भगवंत मान बिल्कुल ही वक्रे अंदाज दे विच नजर आए। ट्रैक सूट ते स्पोर्ट शूज पा के पुठी टोपी पा के मुख्यमंत्री ने खिडारियां दे नाल वॉलीबॉल दा मैच खेडिया। मुख्यमंत्री ने अपना भाषण खत्म किया तो वॉलीबॉल मैच शुरू करन दा ऐलान हो गया। मंच संचालक ने मुख्यमंत्री नूं मैच खेडन की अपील की तो भगवंत मान तुरंत राजी हो गए और खेड के मैदान दे विच अपनी खेड का प्रदर्शन दिखाया। लगभग 2 महीने चलने वाले इस खेड कुंभ दे विच वख-वख उम्र वर्गां दे 4 लाख तो वध खिडारी ब्लॉक तो लैके सूबा पद्धर तक 28 खेडां दे विच हिस्सा लैणगे ते सूबा पद्धरी जेतुआं नूं 6 करोड़ रुपये दे नकद इनाम दित्ते जाणगे। मुख्यमंत्री भगवंत मान ने ऐलान किया कि यह खेडां हर साल करवाईयां जाणगियां। उद्घाटनी समारोह मौके पंजाब दे खेड मंत्री गुरमीत सिंह मीत हेर समेत पंजाब दी समुची कैबिनेट अते आम आदमी पार्टी दी सरकार दे विधायक ते लीडर वड्डी गिणती विच पहुंचे हुए सन। इस मौके मुख्यमंत्री दे नाल उन्हां दी पत्नी डॉक्टर गुरप्रीत कौर भी हाजिर सी। खेडां दे आगाज़ मौके पंजाबी गायका रणजीत बावा, अमृत मान अते ज्योति नूरा भैणा ने भी अपनी खूबसूरत पेशकश दिती। हालांकि खेडां दा आगाज़ शाम नूं 4 बजे होना सी पर जलंधर दे विच पै रहे भरवें मीह कारण ये 3-4 घंटे पछड़ के होया। मुख्यमंत्री ने भी दस्सिया कि पंजाब सरकार नवीं खेड नीति छेती लैके आ रही है ते जलंधर दे विच खेड सनत दे वल्लों तैयार कीते समान दी वी मुख्यमंत्री ने प्रशंसा की। कहा कि इत्थे बने फुटबॉलां दे नाल विश्व कप खेडिया जांदा है, इत्थों दे बने बल्ले चौके छक्के लाउंदे ने, रगबी इत्थों बन के जांदी है। उन्होंने कहा जलंधर खेडां दी राजधानी है ते पंजाब सरकार खिडारियों दे लई खास बजट दा प्रबंध करेगी। पंजाब ने बहुत नामवर खिडारी पैदा कीते है, खेडां दा ते पंजाब दा गूढ़ा रिश्ता। बहुत सारे खिडारी मेरे खब्बे पासे वाले स्टेज ते बैठे ने जिन्हां ने देश दा नाम रोशन किया। मैं खुद बहुत बड़ा स्पोर्ट्स लवर हाँ, मैं उन्हां सारे नूं जानदा। किसी ने हॉकी दे विच, किसी ने वेटलिफ्टिंग दे विच, किसी ने बॉक्सिंग दे विच, किसी ने एथलेटिक्स दे विच, असी किसे पास्यों कमी नहीं छड्डी। जे कमी रही तां सिस्टम वाले पास्यों रही कि सानूं इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं मिल सकिया, सानू कोच नहीं मिल सके। दोस्तों
अज दिल इस करके खुश है कि असी पंजाब नू खेड़दा देख रहे हैं, असी पंजाब नू नचदा, असी पंजाब नू हसदा देख रहे हैं। और खुशी इस करके ज्यादा हो जाती है कि काफी देर बाद देख रहे हैं, क्योंकि तो पहला असी किते इस पंजाब नू थोड़ा जा विसारता सी, असी भुल गए सीगे कि साडे बच्चियां च किन्ना टैलेंट है, असी ये भुल गए सी कि साडे बच्चियां नू जे एक छोटा जा मौका मिल जे उस मौके नू किड्डा वड्डा बनाउंदे ने, देश लई मैडल भी लैके आउंदे ने, असी ये भुल चले सी। पर तुसी साडे दे विच विश्वास जताया, सो मैं सारयां नू बधाई दिन्ना इस खेडां वतन पंजाब दियां जिहदा टैगलाइन है चैंपियन पंजाब, और पंजाब चैंपियन सी, चैंपियन है ते चैंपियन रहूगा। ए पंजाब दी मिट्टी दे विच जिहड़ा जोश है, पंजाब दे पानी दे विच जिहड़ी है वफादारी है, असी आजादी लियाउण वास्ते भी 90% कुर्बानियां, उस आजादी नूं संभालण वास्ते भी 90% कुर्बानियां साडियां ने। यह पंजाब छिंजां वाला पंजाब, कुश्तियां वाला पंजाब, मुगदर चकदा पंजाब, एक कबड्डियां खेडदा पंजाब, खो खो, जिमनास्टिक, वॉलीबॉल, 100 मीटर उच्ची छाल, लंबी छाल, इन्हां खेडां नूं भुल ही गए सी। सो पंजाब दे विच 2 महीने लगातार पंजाब सरकार दे वल्लों खेडां करवाईयां जाणियां सचमुच ही एक चंगी कोशिश दा आगाज़ है, ते हर साल यह हुंदे रहना चाहीदा। पंजाब सरकार ने पेंडू विकास नाल संबंधित ग्रांटां ते लाई गई पाबंदी हटा दित्ती है, हुण सैकड़े पंचायतां पेंडू विकास लई मिले फंडां नूं वरत सकणगियां। आप सरकार ने 22 मार्च नूं हुक्म जारी करके पेंडू विकास ते पंचायत विभाग दे 11 तरह दे फंडां दी वरतों ते रोक ला दित्ती सी, पर हुण इस रोक नूं हटा दित्ता गया है। पेंडू विकास ते पंचायत महकमे ने उदों पाबंदी लाए जाण पिछे तर्क दित्ता सी कि इन्हां ग्रांटां दी जांच कराई जाऊगी। चन्नी सरकार दे वल्लों दरअसल विधानसभा चोणां तों ऐन पहलां इह फंड जारी कीते गए सन। पंजाब विधानसभा दे सैशन दौरान भी पंचायती फंडां ते लाई रोक दा रौला पिया सी। पेंडू विकास ते पंचायत विभाग के विशेष सकत्तर ने सूबा भर के वधीक डिप्टी कमिश्नर अते जिला विकास ते पंचायत अफसरां नूं पत्र जारी कर दिता है कि 2021-22 दौरान ग्रांटां ते जो रोक लाई गई सी ओ हुण हटाई जांदी है। पंचायत विभाग वल्लों हुण अख्तियारी ग्रांटां, कैटल फेयर ग्रांटां, पिंडां दे विच तरल वेस्ट मैनेजमेंट स्कीम, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट स्कीम, पिंडां दे विच यादगारी गेट उसारे जाण संबंधी स्कीम दीआं ग्रांटां, पिंडां विच इक ही शमशान घाट बनाउण, ईसाई ते मुस्लिम भाईचारे लई कब्रिस्तान दे मुढले विकास संबंधी जगह अलाट कराउण संबंधी, सोलर लाइटां दी उसारी ते कम्युनिटी सेंटरां दी उसारी संबंधी जिहड़ियां ग्रांटां ते रोक लगी हुई सी हुण इह हट चुकी है। ते पंचायत महकमे ने जिहड़ी जांच कराउण दे लई ग्रांटां ते रोक लाई सी उस जांच दे विच की सामने आया है उसकी जानकारी हाले नहीं मिल सकी। पंजाब दे कैबिनेट मंत्री अमन अरोड़ा ने सूबे दे विच छेती रियल अस्टेट नीति लियाउण दा ऐलान कीता है। उन्होंने विभाग दे अधिकारियों नूं जायदाद खरीददारां दे हितां दी राखी यकीनी बनाउण दे वी निर्देश दित्ते ने। अमन अरोड़ा ने कहा कि रियल अस्टेट नीति की घाट कारण सूबे का शहरी विकास बेतरतीबा होया पिया है, ते असीं इह नीति लिया के हर शहर दे विच चंगा विकास करांगे। पंजाब दा विजिलेंस विभाग पंजाब सरकार दे हुक्मां ते पंजाब च होए घोटालियां दीआं परतां लगातार खोल रहा है, ते हुण विजिलेंस वल्लों विभाग दे विच नफरी वधाउण दे लई सरकार तक पहुंच कीती गई है तां कि भ्रिष्टाचार दे मामलिआं दे विच तफतीश दे विच तेजी लिआंदी जा सके। विजिलेंस दी फरीदकोट विच नवीं रेंज ते मलेरकोटला जिले विच यूनिट समेत एंटी करप्शन एक्शन लाइन स्थापित करन दी वी ब्यूरो ने मंग कीती है। विजिलेंस अधिकारियों ने कहा कि पेशेवर तरीकों के नाल जांच सिरे चाड़न ते भ्रिष्टाचार के मामले च सज़ा दर वधाउण दे लई माहिरां दी लोड़ है। इन्हां दे विच आईटी एक्सपर्ट, आर्थिक अपराध के माहिर, साइबर माहिरां समेत पुलिस अफसरां दी लोड़ है। विजिलेंस विच इस वेले सिपाही तो लैके मुख डायरैक्टर तक 661 लोग काम करते हैं, मुलाजम काम करते हैं। सारे अधिकारी ते मुलाजम पंजाब पुलिस दे विचों ही डैपुटेशन ते लए जांदे ने। दौरान विजिलेंस ने 692 होर अधिकारियों ते मुलाजमान की तैनाती मंगी है। आम आदमी पार्टी की सरकार विजिलेंस की अपील ते गौर करेगी जां नहीं करेगी, ये हुण देखना अहम रहेगा। शबदीप सिंह सिद्धू मूसेवाला कतलकांड दे नाल जुड़ी अहम जानकारी मिली है कि पंजाब पुलिस नूं 2 मुलजमां दे विदेशी टिकाणियां दी सूह मिल गई है। गैंगस्टर सचिन थापन दे अजरबाईजान अते अनमोल बिश्नोई दे कीनिया विच होण दी पुख्ता जानकारी पुलिस दे हत्थ लगी है। दोवें गैंगस्टर मूसेवाले दे कतल तो पहलां ही फर्जी पासपोर्टां ते बाहर चले गए सन, पर एक कतल दा पूरा प्रबंध करके गए सन।
सूत्रों तो पता लगे कि पंजाब पुलिस अते विदेश मंत्रालय ने हुण सचिन थापन की हवालगी दे तेजी नाल यतन शुरू कर दिते ने। विदेश मंत्रालय ने पंजाब पुलिस तो मुलजमान के वेरवे अपराधिक घटनावां च शमूलीयत गिरफ्तारी वारंट अते सिद्धू मूसेवाले दे कतल कांड दे विच इन्हां दी भूमिका बारे जानकारी मंगी है। उधर गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई दे भरा अनमोल बिश्नोई नूं कीनिया दे विच गिरफ्तार करन दीआं कोशिशां कीतीआं जा रहीआं ने। पुलिस अधिकारियों ने खुलासा किया कि प्रमोद बान की अगवाई हेठली एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स जिस दे विच AIG गुरमीत चौहान ते DSP बिक्रमजीत बराड़वी शामिल ने, इन्होंने भगौड़ियां दी सूह लाई है। एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स अते मानसा पुलिस सचिन की हवालगी लई दस्तावेज तैयार कर रहे ने। पुलिस मुताबिक गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई ने अपने भरा अनमोल बिश्नोई ते नेड़ले साथी सचिन थापन नूं बचाउण लई फर्जी पासपोर्टां दा जेल च बैठिया ही प्रबंध किया सी ते उन्हां नूं बाहर भेजण विच कामयाब हो गए सन। यह फर्जी पासपोर्ट दिल्ली तो ही जारी किए गए सन। पिछले दिन ही फर्जी पासपोर्ट बनाने वाले के ग्रोह को भी दिल्ली पुलिस ने काबू किया। अनमोल बिश्नोई से 18 केस दर्ज ने ते पिछले साल 7 अक्तूबर को जोधपुर जेल तो जमानत से रिहा होया सी। इस तरह सचिन थापन के खिलाफ 12 केस दर्ज ने। जदों सिद्धू मूसेवाले का कतल होया सी तां तुहानूं याद होना कि सचिन ने फोन करके एक TV चैनल के पत्रकार नूं फोन करके इंटरव्यू भी दिता सी अते दावा किया सी कि उसने अपने हत्थां नाल मूसेवाले नूं मारिया है। हालांकि कतल तो पहला ही बाहर भज गए सन पर पूरा जिहड़ा प्रबंध है वह करके गए सन। गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के खिलाफ खरड़ के सदर थाने विच NDPS से असला एक्ट तहत एक नवा अपराधिक केस दर्ज होया है। कल एक होर मामले दे विच लॉरेंस नूं अदालत दे विच पेश किया गया सी मोहाली दी अदालत दे विच, जिथे अदालत ने लॉरेंस नूं उसे केस दे विच 10 दिनां दे होर पुलिस रिमांड ते भेज दिता है। पर उस तो बाद खरड़ पुलिस ने बिश्नोई नूं अपनी हिरासत दे विच लै लिया। इलाका मैजिस्ट्रेट की अदालत विच पेश करके इसनूं इस केस दे विच भी 10 दिन का पुलिस रिमांड अदालत ने दिता है। आउंदी 2 सितंबर नूं सिद्धू मूसेवाले दे एक होर नवे गाने दे रिलीज़ करन दी गल जदों बाहर आई तां मापे अदालत विच पहुंच गए। कल सिद्धू मूसेवाले दे परिवार ने मानसा दी एक अदालत विच गीत जांदी वार नूं रिलीज़ करन ते स्टे लै लई है। अदालत ने रोक ला दित्ती है। इस स्टे मानसा दे सिविल कोर्ट ने 5 सितंबर तक दित्ती है। सिद्धू मूसेवाले दे ताया चमकौर सिंह ने दस्सिया कि परिवार की सहमति तो बिना संगीतकार सलीम मरचेंट ने गीत 2 सितंबर नूं रिलीज़ करन दा ऐलान किया सी, जिसका परिवार ने विरोध किया सी, रोकिया भी सी, अपील भी की सी, पर संगीतकार सलीम ने अपील नूं नहीं मन्निया। जिस तों बाद सिद्धू मूसेवाले दे मैनेजर बंटी बैंस ने मानसा दी अदालत तों स्टे हासिल कर लई है। हुणे गीत 2 सितंबर नूं रिलीज़ नहीं किया जाएगा। संगीतकार सलीम ने भी सोशल मीडिया पोस्ट पा के जानकारी दी है कि सिद्धू दे माता पिता नहीं चाहते हाले गीत रिलीज़ किया जाए। मापियां दे आशीर्वाद तों बिना गीत की रिलीज़ अधूरी रहेगी, इसलिए गीत हुण सिद्धू दे मापियां दी सलाह नाल ही रिलीज़ किया जाएगा। अमृतसर जिले की दिहाती पुलिस ने गैंगस्टर जग्गू भगवानपुरिया ग्रोह के 6 मैंबरां नूं काबू किया है। इन्हां दे कोलों हथियार हैरोइन ते ड्रग मनी बरामद हुई है ते 6 दे विचों 3 शूटर ने। तिन्ने शूटर हरविंदर आकाश ते संदीप दे खिलाफ 18 अपराधिक मामले दर्ज ने। इस सारे मुलजम फरौतियां मंगण ते हथियारां दी तस्करी दे विच सरगर्म रहे ने। मोहाली अदालत ने पिछले दिन ही गिरफ्तार किए गए अफसर संजय पोपली की जमानत अर्जी रद्द कर दिती है। संजय पोपली नूं भ्रिष्टाचार के दोष विच लंघी 20 जून नूं विजिलेंस ने गिरफ्तार किया सी। टेंडर घोटाले दे विच गिरफ्तार किए गए पंजाब दे साबका कैबिनेट मंत्री भारत भूषण आशू नूं 2 दिनां दे होर पुलिस रिमांड ते भेज दिता गया है। कल आशू दा रिमांड खत्म होण ते अदालत विच पेश किया गया। विजिलेंस ने होर रिमांड मंगिया तां अदालत ने 2 दिन दा होर रिमांड दे दिता है। विजिलेंस ने अदालत विच तर्क दिता कि इस मामले विच नामजद किए गए CVC RK सिंगला की तैनाती गलत तरीके दे नाल कीती गई है। बचाव पक्ष वालों इस संबंधी विजिलेंस के बिना गलों मामले नूं खिंचण दा दोष लाया गया। कल वाली आशू की पेशी के मौके कोई भी छोटा वड्डा कांग्रेसी लीडर इत्थे आले दुआले दिखिया तक नहीं। साबका विधायक संजय तलवार तो बिना उन्हों का कोई समर्थक आशू के नाल मौजूद नहीं सी। इस मामले के विजिलेंस ने साबका मंत्री के PA मीनू पंकज मल्होत्रा के साथी इंद्रजीत इंदी के खिलाफ लुकआउट नोटिस भी जारी कर दिता है। ED नूं शक है कि यह विदेश भजन की कोशिश कर रहे होंगे। पिछले दिन ही ED ने भी विजिलेंस तो इस ट्रांसपोर्टेशन टेंडर घोटाले दी फाइलों मंगिया सी ते हुण ED कोल सारियां फाइलों पहुँच चुकिया ने। ED इस मामले में सीधे तौर पर जांच करेगी। ED ने मनी लॉन्डरिंग की जांच आरंभ दी है, जबकि विजिलेंस ने कल इस मामले के निवेशक हेमंत सूद तो
पूछ पड़ताल की। हेमंत सूद लुधियाना के एक वड्डे निवेशक हैं। विजिलेंस नूं सू मिली सी कि भारत भूषण आशू ने एक निवेशक राही वड्डी रकम विदेशां दे विच लाई है। विजिलेंस ने कल हेमंत सूद नूं कुछ दस्तावेजा दे सने सद्या सी। जांच अधिकारी पता करना चाहते ने कि आशू दे वल्लों कदों किथे ते किन्ना निवेश किया गया। अज पंजाब दी क्रांतिकारी किसान यूनियन दे वल्लों डॉक्टर दर्शनपाल दी अगवाई दे विच लखीमपुर खीरी कतलकांड दे मुख दोषी आशीष मिश्रा दे प्यो ते केंद्रीय कैबिनेट मंत्री अजय मिश्रा टेनी दे खिलाफ रोस मुजहरे किए जाणगे ते इस दरमियान अजय मिश्रा दे पुतले भी फूके जाणगे। किसानां दे वल्लों ये सारी कार्रवाई पंजाब भर दे विच जिला ते तहसील हैडक्वार्टरां बीजेपी लीडरां दे घरां ते दफ्तरां दे मूहरे की जाएगी। पंजाब दे मालवा खिते दीआं मंडियां दे विच नरमे की आमद शुरू हो चुकी है। मानसा की मंडी दे विच पहली ढेरी लैके पहुंचे किसान का सन्मान किया गया ते पहले दिन 9611 रुपये प्रति क्विंटल नरमे की फसल विकी है। अगेता नरमा लैके आने वाले किसानों नूं इस वारी फसल के चंगे झाड़ की उम्मीद भी है। हालांकि वह किसान जरूर दिल महसूस के बह गए होणगे जिन्हां दी नरमे की फसल गुलाबी सुंडी ने ऐतकी फिर खराब कर दित्ती सी ते उन्हां नूं अपनी सारी फसल वाहुणी भी पई। व्यापारिक लोगों का कहना है कि जे ऐतकी 9,500 रुपये के नेड़े तेड़े नरमे की कीमत पहुँच चुकी है तो सीजन जो जोर से होया तो जिनस का भा 15,000 रुपये प्रति क्विंटल तो भी वध लग सकता है। इस तरह सरदूलगढ़ की अनाज मंडी के 9,571 रुपये प्रति क्विंटल नरमा विकया है। एक कारण यह भी है कि बहुत सारे किसानों ने जो अपनी नरमे की फसल वाह दिती है तो फसल की आमद है जी फसल का उत्पादन है वो घाटा दर्ज किया जाऊगा तो फसल घटन के नाल उत्पादन घटन के नाल ये महंगे भा से विक सकती है। श्रोमणी अकाली दल के प्रधान सुखबीर सिंह बादल ने पंजाब सरकार तो मांग की है कि दुध उत्पादकों के लिए 300 करोड़ का मुआवजा जारी किया जाए। पंजाब दे विच लंपी स्किन की बीमारी फैलन के कारण दुध उत्पादकों काफ़ी घाटा सहना पिया है। आर्थिक तौर पर कखों हौले हो गए ने कई किसान तो कई हालात इन्ने क माड़े हो गए ने कि फसल भी मर चुकी है। दूसरे पास पशुआ का जो कारोबार से दुध का जो कारोबार से तो पशु भी इस बीमारी के कारण मरे ने दुध का व्यापार भी बंद होया है ते पशुओं का जिहड़ा नुकसान होया वो वक्खरा होया क्योंकि एक पशु है जिहड़ा वह कई कई हज़ार का हुंदा है। सुखबीर बादल ने मांग की है कि मरण वाले जिहड़े पशु ने उन्होंने मालकां नूं प्रति पशु 50,000 रुपये मुआवजा भी दिता जाए। सुखबीर बादल ने पंजाब सरकार से इस बीमारी नाल नजिठण दे विच नाकामयाब रहण दा इल्जाम भी लाया। SGPC दे सेवा मुक्त अधिकारियों ते आधारित सेवा मुक्त कर्मचारी वैलफेयर एसोसीएशन ने कौमी घट गिनती कमीशन के चेयरमैन चिट्ठी लिख के मंग की है कि श्रोमणी गुरद्वारा प्रबंधक कमेटी दियां जनरल चोणां करवाईआं जाण। भारत सरकार चोणां करवाउण दे लई अपने असर रसूख की वरतों करे। हालांकि ये चोणां करवाउणियां ही भारत सरकार के हथ दे विच ने। 12 साल हो चुके ने एक तो कानूनी अड़िका सी ते दूसरा केंद्र सरकार की अपनी मर्जी है कि ये चोणां हाले तक नहीं ऐलानियां गईयां। BJP दे वल्लों हुण पंजाब दे विच पूरे पक्के पैर जमाउण दीआं पूरीआं पक्कीआं कोशिशां कीतीआं जा रहीआं ने। BJP दे लीडर वड्डे लीडर जां फिर कैबिनेट मंत्री हर महीने इत्थे पहुँच रहे ने। इह BJP दे इक मनोरथ पत्र दे विच शामिल कह सकदे हां कि BJP ने हुण पंजाब नूं पलोसना शुरू कर दिता है। केंद्रीय राज मंत्री ते BJP लीडर मीनाक्षी लेखी कल गुरदासपुर दे धारीवाल पहुंचे अते शहर विच लंघदी अपरबारी नहर किनारे झुग्गी झौंपड़ी राजीव कलोनी वासियां दे वल्लों तैयार किया खाणा खाधा यानी कि झुग्गी झौंपड़ी वासियां दे नाल भोजन किया अते उन्हां दी मुश्किलां भी सुनियां। लोगों ने मंत्री नूं मंग पत्र दिंदिया प्रधानमंत्री आवास योजना तहत बनदियां सहूलतां देण ते बिजली बिल माफ़ करन दी मंग कीती ते मीनाक्षी लेखी ने मंगा जल्दी पूरियां करन दा भरोसा भी दिता। गुरु की नगरी अमृतसर दा इतिहासिक जलियांवाला बाग खबरां दे विच बनिया ही रहिंदा है। खास करके उदों तों जदों जलियांवाले बाग दा नवीनीकरण शुरू होया नवीनीकरण कीता गया मुकम्मल हो गया हाले तक भी कोई ना कोई गल निकलदी रहिंदी है। नवीनीकरण का लगभग एक वरा मुकम्मल हुंदिया ही इत्थे शहीदी स्मारक वल जांदे राह दे दोवें पासे लाई गई लक्कड़ दी रेलिंग टुटनी शुरू भी हो गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 1 साल पहला जलियांवाले बाग दे नवीनीकरण का ऑनलाइन उद्घाटन किया सी। पुरातन दिख देण दे मंतव नाल स्मारक वल जांदे राह दे दोवें पासे स्टील दी रेलिंग हटा के लक्कड़ दी नवीं रेलिंग लाई गई सी पर हुण इह लक्कड़ दी रेलिंग कई थावां तों टुट गई है। मीह ते धुप कारण कई थाईं लक्कड़ नूं स्यौंक लग गई है। प्रबंधकों ने रेलिंग की मुरम्मत लई कारीगरां नूं सद्या पर कारीगरां ने दस्या कि लक्कड़ दी रेलिंग लंबा समा चलण वाली नहीं है। इस तों पहलां इत्थे स्टील दी रेलिंग लगी हुंदी सी हर तरह दे मौसम विचों लंबे समय तक चलण वाली सी पर उस नूं हटा दिता गया।
दरअसल जिहड़े यात्री इत्थे आउंदे ने ओह रेलिंग दे आसरे खड़ के कई वारी तस्वीरां खिंचवाउंदे ने जिस करके रेलिंग ढिल्ली हो जांदी है ते डिग्गण दा खतरा बणिआ रहिंदा है। साबका राजसभा मैंबर ते इतिहासिक स्मारक संबंधी ट्रस्ट दे मैंबर तरलोचन सिंह ने कहा है कि मसला छेती केंद्र सरकार दे ध्यान विच लिआंदा जाऊगा। बठिंडा दे रामा मंडी दे पिंड बागा दे विच इक अजीबो गरीब घटना वापरी है। उदास करन वाली घटना भी है क्योंकि इत्थे पुत ते प्यो 2 घंटे दे फर्क नाल दम तोड़ गए ने। इस पिंड दे रहण वाले कौर सिंह दा 30 साल दा पुत अमरीक सिंह रामा मंडी दे विच मोटरसाइकिल मुरम्मत दी दुकान करदा सी। दुकान ते काम करदे करदे नूं अचानक दिल दा दौरा पै गया। डॉक्टरां दी घाट कारण उसनूं इलाज लई एंबूलेंस राहीं तलवंडी साबो दे सरकारी हस्पताल दे विच लिजाया जा रहा सी तां राह दे विच ही अमरीक ने दम तोड़ दिता। अमरीक दे परिवार विच इक 3 साल दी धी ते पत्नी ने ते पुत दी मौत दा दुख ना सहारदे होए करीब 2 घंटे बाद अमरीक दे पिता कौर सिंह नूं वी दिल दौरा पै गया जो कि दिहाड़ी मजदूरी का काम करता सी। नेड़ले इलाके दे विच हस्पताल ना होण करके पुत वांग प्यो नूं वी तलवंडी साबो लिजाया जा रहा सी तां राह दे विच प्यो दी वी मौत हो गई। प्यो पुत दी मौत कारण पूरे पिंड दे विच सोग दी लहर है। पिंड दी पंचायत ने इन्हां मौतां ते दुख प्रगट करदिआं सरकार तों मृतक अमरीक सिंह दी पत्नी नूं गुजारे दे लई सहायता राशि ते सरकारी नौकरी देण दी मंग कीती है। इस उदास करन वाली दुखदाई खबर दे नाल इक होर सच वी उजागर हुंदा है कि पंजाब दे पेंडू इलाकियां दे विच रहिंदे लोक किस पद्धर दीआं सेहत सहूलतां दी कमी नाल जूझ रहे ने, क्योंकि हो सकदा है जे रामा मंडी दे विच ही कोई हस्पताल चंगा हुंदा तां शायद दोवें प्यो पुत्तां दी जान बच सकदी सी। बटाला दे पिंड हसनपुरा खुरद दे विच वी सोग है क्योंकि इस पिंड दे रहिण वाले नौजवान दी होंगकोंग दे विच समुंदर विच डुब्बण करके मौत हो गई। मलकीत सिंह दी उमर सिर्फ 32 साल सी, मापिआं दा कल्ला कहरा पुत सी। 7 साल पहलां रोजी रोटी कमाउण खातर होंगकोंग गया सी। पिछले दिन ही अपने दोस्तों के नाल नहाउण दे लई समुंदर किनारे चला गया ते इस दौरान ये भाणा वापर गया। मापिया ने केंद्र ते पंजाब सरकार तो पुत्र दी देह पिंड लियाउण दी मंग कीती है, प्रबंध करन दी मंग कीती है। इस तरह कैनेडा दे ब्रिटिश कोलंबिया दे विच जिहड़ा हादसा वापरिया है, मोगा जिले दे पिंड घोलियां खुरद दे नौजवान जगसीर सिंह दी भयानक सड़क हादसे दे विच मौत हुई है। जगसीर सिंह दी उम्र भी सिर्फ 28 साल सी। कुलवंत सिंह नंबरदार दा पुत सी, परिवार समेत कई सालां तों कनेडा रह रहा सी। पशुआं दे नाल भरिया ट्रक गलत पासे तों आ रहे जगसीर सिंह दे ट्रक विच वज्जिया ते ट्रक नूं अग लग गई जिस कारण जगसीर सिंह दी मौके ते ही मौत हो गई। पंजाब दे विच स्वाइन फ्लू दे नाल हुण तक 6 मौतां हो चुकियां ने ते पूरे पंजाब दे विच 38 केस सामने आ चुके ने। डॉक्टरां दे दसण मुताबिक तेज़ बुखार, साह लैण च दिक्कत, गले विच दर्द ते शरीर दा टुटना इस बीमारी दे मुढले लक्षण ने। सेहत मंत्री चेतन सिंह जौड़ेमाजरा पटियाला पहुंचे अते संबंधित अधिकारियों नूं स्वाइन फ्लू की रोकथाम दे लई लोड़ीं दे प्रबंध करन दे हुक्म दित्ते। उन्हां कहा कि सूबे भर दे विच लोड़ मुताबिक स्वाइन फ्लू दे मरीजां दे इलाज लई स्पैशल वार्ड स्थापित कीते जा रहे ने। पटियाला पहुंचे सेहत मंत्री ने दावा किया कि पंजाब की आम आदमी पार्टी की सरकार के वलों खोले गए मुहला क्लीनिक लोगों के लिए वरदान साबित हो रहे हैं। उन्होंने 2 हफ्तों के 60,000 मरीजों वालों इलाज के 6,000 टेस्ट करवाने का दावा भी किया। ऐतवार को यूपी के नोएडा के जिहड़े सब तो उच्चे टावर ढाए गए सी उन्हां दा मलबा हटाउण दा काम जंगी पद्धर ते चल रहा है। आले दुआले दीआं सड़कां ते रिहायशी सोसाइटियां दे विच वी सफाई दा काम जारी है। आस पास दी एमरल्ड कोर्ट ते ATS विलेज सोसाइटियां दे सैकड़े निवासी ऐतवार रात तक सैक्टर 93A दे विच वापस भी परत आए जिन्हां नूं पहलां इत्थों बाहर भेज दित्ता गया सी। इमारत ढहण कारण इत्थे हजारां टन दा मलबा इकट्ठा हो गया जिस नूं कई करोड़ दे विच वेचिया जाऊगा। ट्विन टावरां नूं ढाउण मौके धूड़ दे बदल भी उठे सी जो हाले तक आसमान दे विच दिखाई दे रहे ने। जिहड़े भी काम इस काम दे विच लगे हुए ने उन्हां दे काम विच किते ना किते विघन लोक भी पा रहे ने क्योंकि मलबे दे नाल इत्थे फोटोआं खिंचण ते वीडियो बनाउण दे लई वड्डी गिणती विच लोक आ रहे ने। हालांकि पुलिस तैनात करके बैरीकेड ला दिते गए ने पर लोक फिर भी रुकदे किथे ने। जे कोई धक्के नाल रोकण दी उन्हां नूं कोशिश करे ते फिर उन्हां कोले सब तों वड्डा हथियार मोबाइल हुंदा है। मोबाइल ते फट वीडियो जां फोटो खिंच के सोशल मीडिया ते पा दिंदे ने। सो वड्डी गिणती दे विच वर्कर सफाई दे काम दे विच जुटे हुए ने। पंजाब दीआं खास खबरां दे खास बुलेटिन दे विच कुछ होर खबरां विस्तार दे नाल। पाकिस्तान दे विच हड़ां ने इन्ना क कहर भराया होया कि अद्धा पाकिस्तान डुब चुक्या। लोकां दे विच त्राही त्राही मची पई है ते हालात यह हो गए ने महंगाई दे कि उत्थे टमाटर 500 रुपये किलो ते प्याज यानी कि गंढा 400 रुपये किलो हो गया है। हड़ां कारण हजारां एकड़ फसलां ते सब्जियां तबाह हो गईआं ने। लोक आर्थिक पक्खों पूरी तरह दे नाल कखों हौले हो गए ने।
कई थावां ते देखदिआं ही देखदिआं होटल पानी दे विच रुड़ गए ने, बहुत सारे ढांचे ने जिहड़े ओह वी पानी दे विच रुड़ गए ने। पाकिस्तान दे विच संकट लगातार वधदे जा रहे ने, आर्थिक संकट बुरी तरह दे नाल इत्थे लोकां नूं सरकार नूं झलणा पै रिहा है। सियासी संकट हुणे जे आके हटिया उदू बाद इह वड्डा जिहड़ा आर्थिक संकट आया है पाकिस्तान दे विच। हुण सब्जियां दी मुसीबत खड़ी हो गई है, सब्जियां दे भाव सच्ची मुची आसमान नूं छूण लगे ने। बलोचिस्तान ते सिंध सूबिआं दे विच हड़ां दे हालात कारण फसलां पूरी तरह दे नाल तबाह हो गईआं ने। पाकिस्तान दे विच टमाटर 500 रुपये किलो ते प्याज 400 रुपये किलो तक पहुँच गया। शायद अपनी जिंदगी च आपां कदे नहीं इत्थे सुणिआ होणा कि प्याज है जिहड़ा उह 400 रुपये किलो ते टमाटर 500 रुपये किलो हो गया होवे। हालांकि 100 तक लगातार कई बारी आपां सुणिआ है जदों 100-100 रुपये तक भाव पहुंचिआ। हालांकि जिहड़ी पाकिस्तान की करंसी है वह भारत की करंसी के नालों काफ़ी सस्ती भी है। उत्थे जिहड़ा 400 रुपये है वह अपने मतलब 200-250 रुपये तक होएगा। खैर यह भी खबर मिली है कि पाकिस्तान वाघा सरहद राही भारत तो टमाटर मंगवाउण ते विचार भी कर रहा है। सो ये जिहड़ी मंग है लगातार उठती भी रहती है कि पंजाब अते पाकिस्तान दे विचाले सरहद खुलनी चाहिए है, व्यापार नूं लैके व्यापारिक सरहद खुलनी चाहिए है। जिहड़ा व्यापार है वह खुला होना चाहिए, बिना किसी रोक टोक तो होना चाहिए। किसान खुशहाल हो जाएंगे, ये किसानों की फसल जो सीधी वह पाकिस्तान जाके पाकिस्तान मंडियां दे विच वेच सकणगे तां इहदे नाल जिहड़ा पंजाब का जिहड़ा आर्थिक हुलारा है वह बहुत वध जूगा, यानी कि पंजाब नूं आर्थिक तौर पर एक वड्डा हुलारा मिलेगा। पर हाले तक ये जिहड़ियां मंगां ने वह कदे लागू नहीं हुईआं, लोकां दीआं ये जिहड़ियां व्यापारिक इच्छावां ने वह पूरीआं नहीं हुईआं। खैर असीं सलामती की अरदास करदे हाँ पाकिस्तान दे विच जिहड़े लोक इन्ने वड्डे संकट दे नाल जूझ रहे ने। असीं इस खास बुलेटिन दे विच उहनां सब की सलामती की तंदरुस्ती की सेहतयाबी की अरदास करदे हाँ। पाकिस्तान दे विच इह संकट है जिहड़ा वह मुक जावे। कल्ला पाकिस्तान ही नहीं, दुनिया दे विच जिथे भी लोक अजिहीआं कुदरती आफतां दे नाल जूझ रहे ने, असीं सब दे लई दुआ करदे हां कि सब कुछ हल हो जावे। इधर भारतीय रुपये की गल कर लईए तां रुपया लगातार हेठां ही डिगदा जा रहा है। इस तरीके की जिहड़ी आर्थिक स्थिति डावांडोल हुई पई है कि अमरीकी डॉलर के मुकाबले सोमवार को भारतीय रुपया होर हेठां डिग पिया। हफ्ते के पहले दिन मार्केट खुलण ते डॉलर के मुकाबले भारतीय रुपये की कीमत 80.10 रुपये दर्ज की गई, बाद में 80.15 रुपये से आ गई। भारतीय रुपया अमरीकी करंसी की मजबूती ते तेल कीमतों के कारण कहिंदे डिग्गिआ है। माहिरां ने दस्सिआ कि फैडरल रिजर्व बैंक के चेयरमैन जैरोम पावल ने मुद्रा स्फीति की दर घटाने के लिए कारगर नीति लियाउण दा दावा किया, जिस कारण अमरीकी डॉलर की स्थिति होर मजबूत हुई है। करतारपुर साहिब कॉरीडोर के नाल जुड़ी हुई अहम खबर है। पाकिस्तान दे विच इतिहासिक गुरद्वारा करतारपुर साहिब वह धरती है जिसनों पहले पातशाह श्री गुरु नानक साहिब ने 18 साल भाग लाए। खेतीबाड़ी करद्या इत्थे ही ज्योति जोत समा गए सन ते हुण करतारपुर साहिब दे दर्शनां दे लई पासपोर्ट दी लोड़ नहीं पवेगी। इत्थे इह जरूर दस दईए कि इह नहीं है कि उत्थे जे तुसीं दर्शन करन जाणा है कोरीडोर दे राहीं जाणा है लांघे राहीं जाणा तां तुहानूं पासपोर्ट होना चाहीदा नहीं है। बिल्कुल इह खबर नहीं है, बल्कि खबर इह है कि जिन्हां कोले पासपोर्ट नहीं हैगा उह वी हुण करतारपुर साहिब दे दर्शन कर सकदे ने, पर थोड़ी जिही दूरों कर सकणगे। केंद्र सरकार करतारपुर साहिब कॉरीडोर के मुख्य गेट के कोले 9 मीटर उच्चा टावर बना रही है, जिथों इक्को वेले 400 तो 500 की गिणती दे विच संगत दर्शन कर सकेगी, दूरों देख के दर्शन कर सकेगी। पहला जदों जिथे हुण पुल बन गया उत्थे पहला दूरबीन लगी हुई सी, दूरबीन दे राही संगतां दर्शन करदियां सी, ते हुण जिहड़ा हैगा मुख्य गेट के कोले थोड़ा जिहा होर अगे जाके 9 मीटर उच्चा टावर है जिहड़ा उह बना दित्ता जाऊगा। ते गुरु नानक साहिब पातशाह ने इस धरती ते बड़ा लंबा समा कई साल इत्थे खेतीबाड़ी कीती सी, ते अज वी गुरु नानक साहिब दे नां ते इत्थे खेत बोलदे ने, जमीन बोलदी है जिहड़ी कि गुरद्वारा करतारपुर साहिब दे अधिकार खेत्र दे विच आउंदी है। खास जानकारी दिल्ली सिख गुरद्वारा मैनेजमेंट कमेटी दे साबका प्रधान अते बीजेपी दे लीडर मनजिंदर सिंह सिरसा ने दित्ती है। इह इक विशेष तौर ते उत्थे टावर खड़ा कीता जा रिहा 9 मीटर उच्चा जिहदी हाइट होगी, जिहदे अंदर सारियां संगतां उस स्थान तो गुरु साहब के स्थान के दर्शन दारे खुले दर्शन दारे कर सकेंगे। इस प्लाजा के अंदर वड्डियां स्क्रीनां लगनगियां, टोटल एयर कंडीशन रहेगा, एक वक्त से 450 लोग इस दे अंदर जाके दर्शन कर सकेंगे और इस प्लाजा तो सीधा करतारपुर साहिब के दर्शन दारे किए जा सकेंगे। ये जो दर्शनी स्थान है ये लगभग अगले 6 महीने कंप्लीट हो जाएगा और 6 महीने बाद संगतां जिन्हां को पासपोर्ट नहीं वह सीधे दर्शन दारे कर सकणगीआं। इहदे वास्ते मैं भारत सरकार और देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का कोटान कोट शुकराना करदा।
इस टावर नूं दर्शनी ड्यूटी का नाम दिता जाएगा। इसकी लागत 3.25 करोड़ के लगभग दसी गई है। इस विच 8.5 मीटर उच्ची पहली मंजिल तो खड़ के गुरुद्वारा साहब के दर्शन संगत कर सकया करेगी। दर्शनी ड्यूटी की पहली मंजिल से VIPs मेहमानों के लिए शीशे का एक लॉन्च भी बनाया जाएगा। इसकी धरातल उत्ते कॉफी शॉप और एक विरासती वस्तुओं का शोरूम भी खोलिया जाएगा। अगले महीने दर्शनी ड्यूटी का काम शुरू हो जाएगा। 6 महीने के अंदर अंदर इस मुकम्मल करने का टीचा मिथ्या गया है। किसानों के नाल जुड़ी अहम खबर है पर झटका देने वाली खबर है, क्योंकि देश की सब तो वड्डी अदालत सुप्रीम कोर्ट ने किसान कमिशन यानी कि किसान आयोग बनाने की मांग करने वाली पटीशन से सुनवाई करने तो इनकार कर दिता है। किसानों ने केंद्र सरकार से दोष लाया सी कि मोदी सरकार ने किसान अंदोलन दौरान मनिया मंगा नूं अमल दे विच नहीं लिया, किसानों के नाल धोखा किया जा रहा है, इस करके किसान आयोग बनना चाहिए, पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई करने तो ही इनकार कर दिता है। यानी कि पहले पड़ा दे विच पहले कदम से ही असां ते पानी फेर दिता है। इधर पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट तो वड्डी खबर है, जिसने सरहदी खेतरां दे विच गैर कानूनी माइनिंग ते रोक ला दिती है, नजायज खनन ते रोक ला दिती है। पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने अदालत ने यह हुक्म BSF की पटीशन ते सुनाए ने। BSF ने अदालत कोल पहुंच कीती सी कि सरहदी खेतरां दे विच गैर कानूनी माइनिंग दा काम धड़ल्ले दे नाल चल रहा है, इस काम दे विच लगे कामे बिना रिहायशी सबूतां तो इत्थे रह रहे ने, ते रात नूं ड्रोना राही नशा ते हथियारां दी तस्करी भी कीती जांदी है। BSF ने ਇਹ ਵੱਡੇ ਖੁਲਾਸੇ ਕਰਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਕੋਲ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਸਰਹੱਦੀ ਇਲਾਕੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਰਣ ਤੇ ਰੋਕ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪਰ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਇਸ ਆਦੇਸ਼ ਦੀ ਮੰਨੂਗਾ ਕੌਣ, ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਮਾਮਲੇ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਜਵਾਬ ਦਾਖਲ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਤੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤੀ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਜਵਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਵੀ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੋ ਇਹ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਨਦੀ ਦੇ ਕੰਢੇ ਤੇ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਕੁਝ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਕਰਤਾ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਠਾਨਕੋਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੇਲਵੇ ਪੁਲ ਨਜਾਇਜ਼ ਮਾਈਨਿੰਗ ਦੇ ਕਾਰਨ ਟੁੱਟ ਗਿਆ, ਇਹ ਪੁਲ ਹਿਮਾਚਲ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਜੋੜਦਾ ਸੀ, ਫੌਜ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਅਤੇ ਰਣਨੀਤਿਕ ਸੀ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ BSF ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਪਾਈ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਹੱਦੀ ਖੇਤਰ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਲਈ ਕੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਫਿਰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ, ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਵੀ ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਵੀ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੰਗ ਲਈ ਹੈ ਕਿ ਦੌਰਾ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਆਖਿਰਕਾਰ ਕੱਢਿਆ ਕਿ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਝਾੜ ਪਾਉਂਦਿਆਂ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ BSF ਤੇ ਆਰਮੀ ਨੇ ਆਪਣਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਇਹ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖਤਰਾ ਹੈ, ਪਰ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਹੱਥ ਤੇ ਹੱਥ ਧਰੀ ਬੈਠੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੋਣਾ ਕਿ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਪੁਲ ਟੁੱਟ ਗਿਆ ਹੈ ਹਿਮਾਚਲ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ, ਜਿਹੜਾ ਪਠਾਨਕੋਟ ਅਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਕੁਛ ਇਲਾਕਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋੜਦਾ ਸੀ। ਰੇਲਵੇ ਪੁਲ ਟੁੱਟਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰੇਨਾਂ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਕਦੋਂ ਇਹ ਮੁੜ ਕੇ ਚੱਲਣਗੀਆਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਹੋਇਆ ਹੈ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਕਰਕੇ, ਮਾਈਨਿੰਗ ਦੇ ਕਰਕੇ ਦਰਿਆ ਨੂੰ ਖੋਰਾ ਲਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਇਹਨਾਂ ਰੇਤ ਮਾਫੀਆ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੰਨੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸ੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਖਬਰ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਕੰਪਲੈਕਸ ਦੇ ਬਾਹਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਨਾ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਤੇ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਇੱਕ 65 ਸਾਲ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ਤੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰ ਲਈ। ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਪਛਾਣ ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਰਾਏਕੇ ਕਲਾਂ ਦੇ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵਜੋਂ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਸਨੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਕੰਪਲੈਕਸ ਦੇ ਬਾਹਰ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸਾਨ ਪੰਜਾਬ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨ ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਏਕਤਾ ਉਗਰਾਹਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਸੀ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਰਮੇ ਦੀ ਫਸਲ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਗੁਲਾਬੀ ਸੁੰਡੀ ਦੇ ਹਮਲੇ ਕਰਕੇ ਨੁਕਸਾਨੀ ਗਈ ਸੀ, ਪਰ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਚੰਨੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਵਾਅਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਸਾਰੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪਿਛਲੇ ਵੀ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਆਏ ਸੀ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਐਤਕੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਆਏ, ਪਰ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਲਕਸ਼ਮਣ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਰਾਏਕੇ ਕਲਾਂ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਰਕੇ ਨਿਰਾਸ਼ ਸੀ। ਬੈਂਕ ਵਾਲੇ ਉਸਨੂੰ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਭਰਨ ਦੇ ਲਈ ਤੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਗੇੜੇ ਤੇ ਗੇੜਾ ਮਾਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਤਣਾਅ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਕਰਕੇ ਹੀ ਉਸਨੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰ ਲਈ। ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਅੰਦਰੂਨੀ ਕਲੇਸ਼ ਹੋਰ ਵੀ ਵੱਧ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਇੰਚਾਰਜ ਹਰੀਸ਼ ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਪੁਲਾਥ ਤੋਂ ਵਿਧਾਇਕ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਰਨ ਦੱਸੋ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਕਿਸਾਨ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਨੂੰ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਬਾਹਰੋਂ ਧਰਨਾ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮੁੱਦੇ ਨੇ, ਜੇ ਸਾਡਾ ਲੀਡਰ ਇਮਾਨਦਾਰ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕੀ
चिंता करने की लोड़ है। यह धरना टेंडर घोटाले विच गिरफ्तार साबका मंत्री भारत भूषण आशु के समर्थन विच दिता जा रहा है। खहरा की सलाह के उत्ते वड़िंग ने भी जवाब दिता सी कि बिना मंगिया सलाह नहीं देनी चाहिए। उस तो बाद वड़िंग ने पार्टी हाईकमांड नूं खहरा नूं जिहड़ा हैगा नोटिस जारी करन लई जां फिर ताड़न दे लई भी कहा सी, जिस तो बाद हुण पार्टी इंचार्ज ने खहरा तो वड़िंग जां पार्टी फोरम की बजाय सोशल मीडिया से सीधी गल करन ते जवाब मंगिया कि खहरा जवाब देण के सीधा तुहानूं अजिही गल करन की लोड़ की है, तुसीं वड़िंग दे नाल फोन ते गलबात कर लैंदे, निजी गलबात कर लैंदे। गाने च लिखिया बिना मंगे उह सलाह नहीं देनी चाहीदी, कदर घट जांदी है। सो कोई गल ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਕਰੋ। ਸੁਖਪਾਲ ਖਹਿਰਾ ਵਰਗੇ ਸੀਨੀਅਰ ਲੀਡਰ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਤੌਰ ਤੇ ਝਿੜਕਣਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੇ ਹੰਕਾਰ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਕਲੇਸ਼ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕੱਲਾ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ, ਕੌਮੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਕਲੇਸ਼ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਥੰਮਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ਪਲਟਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਫਿਰ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਆਏ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣਦੇ ਨੇ, ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਵੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਨੂੰ ਸਾਂਭ ਨਹੀਂ ਸਕੇ ਤੇ ਹੁਣ ਹਾਲਾਤ ਇਹ ਨੇ ਕਿ ਮੁੜ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਸੀਨੀਅਰ ਲੀਡਰ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਉਹ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਦੂਰੀਆਂ ਵਧਾਉਣ ਲੱਗੇ ਨੇ। ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਪੰਜ ਤਖਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਤਖਤ ਸ੍ਰੀ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਭਾਈ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਗੌਹਰ ਨੂੰ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਡਾਕਟਰ ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਮਰਾ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਤਖਤ ਸ੍ਰੀ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਭੇਟਾ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਰ ਹੋਈਆਂ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਭਾਈ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਤਖਤ ਸ੍ਰੀ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਚਿੱਠੀ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਥੇਦਾਰ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਗੌਹਰ ਜਾਂਚ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਤੱਕ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਸਾਬਿਤ ਹੋਣ ਤੱਕ ਇਸ ਅਹੁਦੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਗੇ। ਜਥੇਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਲਿਖੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਚਿੱਠੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਕੁਝ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗ ਰਹੇ ਨੇ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ, ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਗਤ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਜਾਂਚ ਕਰਕੇ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਪੰਜ ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਤਖ਼ਤ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪੰਜ ਪਿਆਰੇ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਭਾਈ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਸਾਬਿਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਵਿਖੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਸੋ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਸਾਬਿਤ ਹੋਣ ਤੱਕ ਜਥੇਦਾਰ ਇਸ ਅਹੁਦੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਗੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੰਪੀ ਸਕਿਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬਿਮਾਰੀ ਫੈਲੀ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਦੁੱਧ ਉਤਪਾਦਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ 15-20% ਤੱਕ ਦੀ ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਦੀ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸਿਵ ਡੇਅਰੀ ਫਾਰਮਰਸ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਯਾਨੀ ਕਿ PDFA ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਬਿਮਾਰੀ ਪਸ਼ੂਆਂ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਗਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦੀ ਹੈ। PDFA ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਸ਼ੂਆਂ ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਡੇਅਰੀ ਕਿਸਾਨ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਏ ਨੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਡੇਅਰੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਪ੍ਰਤੀ ਪਸ਼ੂ 50,000 ਰੁਪਏ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਕੁੱਲ 1,26,000 ਪਸ਼ੂ ਲੰਪੀ ਸਕਿਨ ਬਿਮਾਰੀ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਏ ਨੇ। 10,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੁੱਧ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਜਿਹੜਾ ਘਟਿਆ ਹੈ ਉਹ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੀ ਰਹੇਗਾ। 1 ਸਾਲ ਤੱਕ ਗੱਡੀ ਮੋੜ ਤੋਂ ਲੀਹ ਤੇ ਆਵੇਗੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਾਵਾਂ ਤੇ ਮੱਝਾਂ ਦਾ ਕੁੱਲ ਦੁੱਧ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ 3 ਕਰੋੜ ਲੀਟਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 1,25,00,000 ਲੀਟਰ ਮੰਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਉਤਪਾਦਨ ਕਾਫੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸ਼ੁਭਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਦੇ ਕਤਲਕਾਂਡ ਨੂੰ ਵਾਪਰੇ ਹੋਏ ਪੂਰੇ 3 ਮਹੀਨੇ ਬੀਤ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਮਾਪਿਆਂ ਨੇ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੀ ਮੰਗ ਲਈ ਕੈਂਡਲ ਮਾਰਚ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਸੀ ਮਾਨਸਾ ਤੋਂ ਤੇ ਹੁਣ ਦੇਸ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਕੈਂਡਲ ਮਾਰਚ ਕੱਢੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਮੋਮਬੱਤੀ ਮਾਰਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਹੋਏ ਨੇ ਅਤੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨਗਰ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਅੰਬ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਕੇ 3B2 ਦੀਆਂ ਲਾਈਟਾਂ ਤੱਕ ਇਨਸਾਫ਼ ਪਸੰਦ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮੋਮਬੱਤੀ ਮਾਰਚ ਕੱਢਿਆ ਅਤੇ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਸਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੋਮਬੱਤੀ ਮਾਰਚ ਇਨਸਾਫ਼ ਮਾਰਚ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਤੇ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਕਤਲਕਾਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਸਟਰ ਮਾਈਂਡ ਦੇ ਵਜੋਂ ਸ਼ਾਮਿਲ ਗੈਂਗਸਟਰ ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ ਦੇ ਹੌਸਲੇ ਇੰਨੇ ਕੁ ਬੁਲੰਦ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਇੰਨੀ ਹਿੰਮਤ ਵੱਧ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਉਸਨੇ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜੇਲ੍ਹ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਵੀ ਧਮਕੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਪੋਸਟ ਪਾ ਕੇ ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਜੇਲ੍ਹ ਬਠਿੰਡਾ ਦਾ ਇੱਕ ਸਹਾਇਕ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਬਠਿੰਡਾ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਸਾਰਜ ਸੰਧੂ, ਬੌਬੀ ਮਲਹੋਤਰਾ ਤੇ ਜਗਰੋਸ਼ਨ ਹੁੰਦਲ ਨੂੰ ਤੰਗ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬਰਾੜ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ DGP ਗੌਰਵ ਯਾਦਵ ਤੇ ਜੇਲ੍ਹ ਮੰਤਰੀ ਹਰਜੋਤ ਬੈਂਸ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ
जेल के डिप्टी सुपरिटेंडेंट के खिलाफ कार्रवाई की जाए। जे कार्रवाई नहीं होंगी तो इस मामले के कहते असी सबक सिखावे। नाल ही अपने भरावान की जेल बदलने की भी ब्राड ने मांग की है। कहते जे मेरे भरावान का नुकसान होया तो उसकी जिम्मेवारी पंजाब पुलिस की होगी। मतलब कमाल की गल है कि वह गैंगस्टर जिन्हों का नाम शरेआम इस कतलकांड शरेआम वह मानते भी ने कि असी करवाया है सिद्धू मूसेवाले का कतल असी करवाया है। क्यों करवाया है वह भी दसते हैं। तो हूँ तो पंजाब पुलिस तो छड़ो जेल मंत्री ही धमका शुरू कर दिता है। गोल्डी बराड सिद्धू मूसेवाला कतल कांड दे विच लुड़ींदा है। तो हुण इहदे विच सवाल भी उठते हैं कि जे बठिंडा जेल दे विच सहायक सुपरिटेंडेंट ते ओह इल्जाम ला रहा है कि मेरे साथियों नूं तंग परेशान किया जा रहा है तो खबर गोल्डी बराड तक पहुंची किवें? जेल तक किहड़े कनैक्शन ने जिहड़े ओह इन्हां गैंगस्टरां दे जुड़े हुए ने? एड्डी हिम्मत एड्डा जिहड़ा हौसला जिहड़ा वधिया होया है कि शरेआम हुण पुलिस नूं अते जेल मंत्री नूं ही चैलेंज कर रहे हैं। तो यह तो बहुत ही नमोशी वाली गल होगी पंजाब पुलिस वास्ते भी अते जेल मंत्री वास्ते भी कि एड्डी वड्डी जिहड़ी धमकी सुन तो बाद एड्डा वड्डा चैलेंज सुन तो बाद भी जे गोल्डी बराड का कुछ नहीं कर सकते तो सचमुच सवाल जरूर खड़े होणगे। तो हालांकि यह भी खबर मिल रही है कि गोल्डी बराड नूं पंजाब लियाउण दे यतन तेज हो गए ने, पर गोल्डी बराड कैनेडा दे विच बैठा किथे आ किसे नूं नहीं पता। उधर अमृतसर के रणजीत एवेन्यू इलाके दे विच पिछले दिन पंजाब पुलिस के एसआई दिलबाग सिंह दी रिहायश दे बाहर खड़ी कार विच आईईडी लाउण दे मामले विच मुख शक्की की गिरफ्तारी तो बाद पाकिस्तान बैठे हरविंदर सिंह उर्फ रिंदा ने अमृतसर पुलिस नूं ईमेल राही धमकाया। न्यूज़ 18 की रिपोर्ट के मुताबिक रिंदा ने मेल विच कहा है कि पुलिस साढ़े बंदियां अते परिवारां नूं बेवजह परेशान कर रही है। कहिंदा कि इस कार्रवाई दे विच शामिल पुलिस कर्मचारी के ठिकाणियां दा ते घरां दा असीं पता जानदे हां। कार्रवाई बंद करन दी चेतावनी दिंदिया कहा है कि जेकर ना रोकिया गया तां नतीजा चंगा नहीं निकलूगा। तो यह मेल पुलिस नूं इक वैब चैनल राही हासिल हुई है। रिंदा ने दोष लाया कि एसआई दिलबाग सिंह जिसकी कार हेठां बंब फिट किया गया सी उसने पंजाब च खड़कूबाद दौरान वड्डी गिणती विच सिखां नूं मारिया सी, इस करके उसनूं सज़ा मिलनी चाहीदी है। हालांकि द ट्रिब्यून की रिपोर्ट में एक सीनियर पुलिस अधिकारी के हवाले नाल कहा गया कि रिंदा के दोष बेबुनियाद ने। शुभदीप सिंह सिद्धू मूसेवाला कतलकांड मामले के एक होर मास्टरमाइंड लॉरेंस बिश्नोई सोमवार को मोहाली की अदालत में पेश किया गया। अदालत ने खरड़ के दर्ज एनडीपीएस के असल एक्ट के मामले में लॉरेंस बिश्नोई होर 10 दिनों के पुलिस रिमांड से भेज दिया गया है। गैंगस्टर बिश्नोई फर्जी पासपोर्ट राही अपने भरा विदेश भेजने के मामले में अदालत पेश किया गया। फर्जी पासपोर्ट मामले के लॉरेंस बिश्नोई पहला भी 10 दिन के रिमांड से चल रहा है, खत्म होने से फिर पुलिस ने रिमांड मंगया तो उसनू दे दिता गया है। अदालत के वालों रिमांड दे दिता गया। इस मामले में लॉरेंस बिश्नोई उसका भरा 10 होर के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। श्रोमणी अकाली दल अमृतसर के प्रधान संगरूर तो लोकसभा मैंबर सिमरनजीत सिंह मान ने मांग की है कि साहिबजादा अजीत सिंह नगर मोहाली के कौमांतरी हवाई अड्डे का नाम बाबा बंदा सिंह बहादुर के नाम से रखा जाए। मान ने यह मंग मोरिंडा के पिंड भागोवाल एक समागम के दौरान की है, जिथे मान ने कहा कि इस हवाई अड्डे के नेड़े पिंड चप्पड़चिड़ी की धरती वड्डा इतिहास समोई बैठी है। इत्थे बाबा बंदा सिंह बहादुर ने मुगल हकूमत की इट नाल इट खड़का के पहले खालसा राज की नींह रखी सी, किसानां नूं जमीनां दे मालक बनाया सी। क्यों नहीं उन्हां दे नाम दे उत्ते इह जिहड़ा कौमांतरी हवाई अड्डे का नाम होना चाहीदा। मान ने यह भी कहा कि बड़े अफसोस की गल है कि पिछले दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जदों पंजाब आए सी तां पंजाब दे मुख्यमंत्री समेत किसी भी वड्डे लीडर ने पंजाब के पाणिया बंदी सिंह की रिहाई एसजीपीसी दी लंबे समय तो लटकदिया चोणा ते बाघा बॉर्डर नूं खोलण समेत पंजाब ते सिखां दे हक्कां दी कोई मंग उन्हां दे सामने नहीं रखी। मान ने कहा कि प्रधानमंत्री पंजाब दी धरती ते आ के इत्थे इक गुज्जा सुनेहा भी सिखां नूं दे के गए ने जिस नूं सिख कौम नूं समझण दी लोड़ है। बुलेटिन दे विच हादसियां दे नाल जुड़ियां कुछ खबरां तुहानूं दस दिंदे आं। मोगा तो वड्डी खबर आई जिथे पिंड घोलियां दे वसनीक जगसीर सिंह गिल दी कैनेडा दे बीसी यानी कि ब्रिटिश कोलंबिया दे विच सड़क हादसे दौरान दर्दनाक मौत हो गई। मृतक नौजवान करीब 6 साल पहला अपने चंगे भविख दे लई कैनेडा गया सी। परिवारक मैंबर भी इस वक्त नाल ही रहिंदे सी ते ट्रक ड्राइवर सी, ट्राला चलाउंदा सी ते घटना की सूचना मिलदे सार ही पूरे पिंड दे विच मातम छा गया है। बहुत ही दर्दनाक तरीके दे नाल इस नौजवान की मौत हुई है अते दूसरे वाहन की गलती कारण कहिंदे इहदा जिहड़ा ट्रक है वह हादसे की लपेट दे विच आ गया ते नौजवान की मौके ते ही दर्दनाक मौत हो गई। गुरु की नगरी अमृतसर तो खबर है जिथे लंघे दिन एक अमृतधारी सिंह दे घर ते कुछ लोगों ने तेजधार हथियारां नाल हमला किया अते कन्न वड्ढ दिता। जदों अमृतधारी सिख ने सिगरट पीण वालियां नूं रोकिया तां उन्होंने तेजधार हथियारां दे नाल उल्टा उस ते ही हमला कर दिता। हालांकि
पब्लिकली जनतक तौर ते कोई भी सिगरेट बीड़ी पीना कानूनन तौर ते मना है। यह मामला थाना सुल्तानविंड अधीन पैंदी चौंकी कोट मित सिंह दा है। जख्मी सविंदर सिंह दे परिवारक मैंबरां ने सारी जानकारी दित्ती कि ग्रंथी सविंदर सिंह घरों कुछ समान लैण लई बाजार गया, घर दे बाहरी कुछ नौजवान उन्हां दे घर दे बाहरी कुछ नौजवान बह के सिगरट पी रहे सी। सिगरट पीण तों मना करन ते इन्हां नौजवानां ने ग्रंथी सिंह नाल बदसलूकी कीती ते फिर जानो मारन दी धमकी दित्ती ते कुछ समय बाद तक घरे ही आ गए। हथियारां दे नाल लैस होके आ गए, परिवारक मैंबरां ते वी हमला कर दित्ता। जदों सविंदर सिंह मूहरे आया तां उस ते हमला उसका कान तक वड दिता। हस्पताल दे विच जेरे इलाज है सविंदर सिंह। इसने केस दा दर्ज कर लिया पर गिरफ्तारी हाले तक किसे दिन हुई। दिल्ली तो लापता चार नाबालिग कुड़ियां दरबार साहिब तो मिल गईयां ने। की है पूरा मामला तुहानू दसदे आं। बदरपुर इलाके तो पिछले हफ्ते घरों स्कूल गईयां नाबालिग कुड़ियां ना स्कूल पहुंचियां ते ना ही घर पहुंचियां, जिस तों बाद इलाके दे विच सनसनी फैल गई सी। परिवार ने पुलिस नूं शिकायत दित्ती, पुलिस ने भाल शुरू कीती तां आखिरकार इह कुड़ियां अमृतसर तो लभ गईयां ने। पुलिस दे लई चैलेंजिंग बहुत सी क्योंकि चारां दे विचों किसे कोल भी मोबाइल फोन नहीं सी, इस करके उन्हां दा पता बहुत ही औखा लभ्या है। इस तरह लापता लड़की दे विचों एक कुड़ी ने अपनी मां नाल संपर्क कर लिया, उस तों बाद मां ने पुलिस नूं सूचना दित्ती। जदों ट्रेस कीता गया नंबर तां पता लग्गिया कि अमृतसर दे सचखंड श्री हरिमंदर साहिब दे नेड़े कॉल आई सी। उस तों बाद टीम ने पंजाब दे स्थानिक पुलिस कोरीडोर नाल संपर्क कीता। कोरीडोर पुलिस ने जदों SGPC दे CCTV कैमरियां दे नाल श्री हरिमंदर साहिब कंपलैक्स की तलाशी ली तो चारे लड़कियां गुरु रामदास जी सरां दे कोल आराम करदियां दिखाई दित्तियां। पता लगे कि चारे दोस्त कुड़ियां सचखंड श्री दरबार साहब के दर्शन करन दे लई अमृतसर आ गई सन। दिल्ली पुलिस की टीम एतवार नूं अमृतसर पहुंची ते सारियां कुड़ियां नूं नाल लैके उन्हां दे घरे जाके परिवार के हवाले कर दिता। चारां दी मैडिकल जांच भी करवाई गई, काउंसलिंग भी करवाई गई, पर कोई भी गलत अपराध इन्हां दे विच नहीं पाया गया, ना ही इन्हां दे खिलाफ कोई अपराध इन्हां दे शरीर विच पाया गया। सो कुड़ियां जिहड़ियां दर्शन करन दे लई हरिमंदर साहब दे दर्शनां दे लई चोरी छिपे क्यों गईयां सी, बिना दस्से क्यों गईयां सी, इह तां हुण इह चार नाबालिग कुड़ियां ही जानदियां ने। जलंधर दे एक चौंक दे विच जिथे पंजाब दे मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने सोमवार नूं पहुंचना सी खेडां दा उद्घाटन करन दे लई, उस तों एक दिन पहलां पंजाब दे साबका मुख्यमंत्री बेअंत सिंह दे बुत ते खालिस्तान लिख दिता गया सी। इस मामले नूं लैके BJP ने आम आदमी पार्टी नूं घेर लिया है। BJP ने उल्टा आम आदमी पार्टी ते ही इल्जाम ला दिता है कि पार्टी पंजाब दा माहौल खराब करन दी साजिश रच रही है। CTU दे वल्लों इंटरनेशनल एयरपोर्ट चंडीगढ़ तो पंचकुला दे लई शटल बस सेवा 29 अगस्त तो शुरू कर दित्ती गई है। शटल बस सेवा शुरू होण नाल चंडीगढ़ मोहाली तो बाद पंचकुला अते हवाई अड्डे तक आवाजाई दे विच सुधार होवेगा। चंडीगढ़ दे बस अड्डा 43 ते 17 तो यह बस सेवा पहलां ही चल रही सी ते हुण जिहड़ा हैगा पंचकुला दे लई भी शटल बस सेवा शुरू कर दित्ती गई है। कैनेडा दे शहर मार्कहम दी इक गली दा नाम भारत दे प्रसिद्ध संगीतकार AR रहमान दे नाम उत्ते रख्या गया, जिस तों बाद संगीतकार ने ट्वीट करदिआं मार्कहम ਦੇ ਮੇਅਰ ਫਰੈਂਕ ਸਕਾਰਪਿਟੀ ਅਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ। ਖਾਸ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਇਸ ਖਾਸ ਬੁਲੇਟਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਸਭ ਤੋਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਧੰਨਵਾਦ।